ये हम आपको कोशिश करेंगे कि टंकी को अंदर से भी दिखाएं। अब तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई कि पानी टंकी असुरक्षित घोषित की गई है। राज्य जो मलबे हैं वो नीचे गिरने को तैयार हैं। ये रिस्क वाली टंकी है और नगर निगम ने यहाँ पर पर्चा नोटिस लगा दिया है। दरअसल मैं खुद वहाँ देखने गया था और डर हो गया। जर्जर तो बहुत पहले से है, बहुत पहले से, आज का थोड़ी ना है जर्जर। 25 सड़क तक यहाँ से 8.5 से सप्लाई करेगा। इस नोटिस में आप पढ़ पा रहे होंगे कि पानी टंकी असुरक्षित घोषित की गई है। राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र को आमजनों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। आम नागरिकों को हिदायत दी जाती है कि वे इस इलाके से या इस क्षेत्र से दूर रहें, अन्यथा जान माल की हानि हो सकती है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ, नमस्कार, मेरा नाम है शशिकांत तिवारी। मैं इस वक्त खड़ा हूँ भिलाई के सेक्टर 1 में। ये सी मार्केट का टंकी है, पानी टंकी आप पीछे देख पा रहे हैं। और ये जो नोटिस मैंने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, ये नोटिस इस टंकी के लिए लगाया गया है और ये टंकी काफ़ी समय से टाउनशिप इलाका कहलाता है, ये BSP का। और टाउनशिप इलाके में इस टंकी के ज़रिए पानी वाटर सप्लाई दी जाती है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि 2 टंकियों की धराशायी होने की खबर हमने दिखाई थी, उसके बाद जर्जर टंकियों की खबर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। सालों से ये टंकी ऐसी बनी हुई है। ये भी टंकी आपको हालात दिखा दें, ये टंकी ऊपर से उसके पिलर्स लगभग पूरे ख़त्म हो चुके हैं, नीचे भी स्थितियाँ बहुत सी बदतर हो चुकी हैं। और इस टंकी को कभी भी रिस्क जोन में लाया गया और कभी भी यहाँ पर कोई बड़ी घटना या बड़ी वारदात हो सकती है, ये टंकी भरभरा कर गिर सकती है। इसके रिस्क फैक्टर को देखते हुए आज से यहाँ पर इस टंकी को कट ऑफ कर दिया गया है, नागरिकों की सेवाओं को भी बंद कर दिया गया और नागरिकों को ये हिदायत दी गई कि इस इलाके से दूर चले जाएँ। अब दूर कैसे जाएँगे, BSP की ढेर सारे मकान हैं यहाँ, लाइन से यहाँ ढेर सारे मकान हैं। कुछ लोग हैं मेरे साथ में बातचीत करने के लिए। भैया, ये टंकी जैसे अब इसको बोल रहे हैं प्रतिबंधित इलाका हो गया, आप लोग इस क्षेत्र से दूर रहें और पानी को कट ऑफ कर दिए हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग कैसे करेंगे फिर? अब तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई है और अभी कोई सूचना नहीं दी गई है कि पानी कहाँ से सप्लाई होगा, पानी के लिए इधर उधर भड़क रहे हैं। जैसे नगर निगम अभी सेक्टर 4 में जैसे टंकियाँ गिरी थी वहाँ पर टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई हो रहा था, तो आप लोगों के लिए क्या इस तरह के कोई वादे हुए हैं कि टैंकरों के जरिए आप लोग तक पानी पहुंचाया जाएगा? अभी तक तो कोई सूचना जानकारी में नहीं है मेरे, अभी तक कोई जानकारी नहीं है कहां से सप्लाई करेंगे, कहां कैसा है। नहीं तो हर समय न्यूज़ के माध्यम से जानकारी दे दी जाती थी जी कि टंकी सफाई हो रही है, 2 दिन पानी नहीं आएगा इस टाइप का। ये आदेश के बाद अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। देखिए, एक तो परेशानी आप लोग वर्तमान में आज से शुरू हो चुकी कि पानी नहीं आएगा, लेकिन एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि ये जो टंकी है पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। ऊपर देखिए, हम पिलर वगैरह ख़त्म हो चुके हैं और अभी इसके नीचे इसके जद में कितने सारे मकान हैं। अगर ये टंकी मान लीजिए कुछ दिक्कत हो जाता है या गिर जाती है या कुछ बात हो जाती है, तो यहाँ तो जानो माल का नुकसान भी है। हाँ सर, ये रास्ता ही बंद करवाना चाहिए जो अगल बगल से जा रहे हैं और ये जान आजू बाजू जो मकान बने हुए हैं और ये दुकानें हैं, उनको नुकसान हो सकता है और कभी भी ये गिर सकती है। ये टंकी आप देख पा रहे होंगे, ये फिर से मैं नज़ारा आप तक दिखा रहा हूँ और ये टंकी पूरी तरह से ये ख़त्म हो चुकी है एक प्रकार से। इसमें मतलब आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इसके नीचे खड़ा होना या रहना। भैया, जैसे ये टंकी आज से जैसे यहाँ बोर्ड लगा है कि इसको अब यहाँ से दूर रहें आप लोग, ये टंकी अब मतलब अच्छी नहीं है, इसके आसपास मत रहिए, जर्जर है, पानी का कट ऑफ कर दिया गया है यहाँ सेक्टर 1 में, कैसे करेंगे आप लोग? पानी के लिए हमारे पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने बहुत वैकल्पिक व्यवस्था करी है। अच्छा, वो निगम के द्वारा 30 टैंकर, तो 10 टैंकर यहाँ दिया जा रहा है, बाकी 10 टैंकर सेक्टर 5। अच्छा, जानकारी क्या आ रहा है? BSP भी 1 से 25 सड़क तक यहाँ से 8.5 से सप्लाई करेगा टैंकरों के जरिए। नहीं, BSP यहाँ से डायरेक्ट लाइन कर रहा है। BSP डायरेक्ट लाइन दे रहा है यहाँ से 8:30 बजे आएंगे उन लोग अधिकारी लोग। अच्छा, तो उसकी 8:30 से 11 बजे तक सड़क 1 से 25 तक पानी दिया जाएगा। तो अभी तो 8 बजने जा रहा है, कोई ऐसी गतिविधि दिख नहीं रही है। वो हम तो जनरल शिफ्ट वाले हैं जी, BSP वाले। ये इसके नीचे रहना भैया कितना मुश्किल का काम है। देखिए, घर है यहाँ पर बहुत, अब
क्या कभी कोई घटना होती है उसी के बाद सबको ध्यान में आता है? बिल्कुल हाँ, सेक्टर 4 में जैसे दो टंकियां अभी गिरी, उसके बाद ही जी, हाँ। उसी के बाद ही कि ध्यान में आ रहा है कि इस सब पे काम किया जाए करके। तो बहुत ही जर्जर हो गई, और यहाँ अगर कुछ होगा तो बाजू सट के लग के घर, तो दुर्घटना का की संभावना बनती है। ठीक है भैया, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मैं अंदर से भी कोशिश करूँगा, अगर ये गेट खुला होगा तो नज़ारा दिखा देते हैं। फैजाना अंदर आ जा, ये पानी टंकी का इलाका, हालांकि इस जगह से भी रिपोर्टिंग करना रिस्की फैक्टर है। और ये घर है सामने में, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो पानी के इंतज़ार में बैठे होंगे, कह रहे हैं कि इस टंकी के ज़रिए अब डायरेक्ट लाइन दी जाएगी और घरों तक पानी पहुँचाया जाएगा। जैसा कि भैया ने टाइम बताया वहाँ पर थोड़ी देर पहले, ये ताला लगा हुआ है असल में, तो अंदर जाना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, यहाँ से है गेट, ये दादा ने गेट खोल दिया है। ये हम आपको कोशिश करेंगे कि टंकी को अंदर से भी दिखाएं। ये रिस्क वाली टंकी है और नगर निगम ने यहाँ पर पर्चा नोटिस लगा दिया है कि आप इस टंकी से दूर रहें, जर्जर हालातों में कह रहे हैं। और इस टंकी के लिए आगे क्या प्लान आउट किया जाएगा, कि इसको डिमोलिश किया जाएगा, इसको तोड़कर फिर से नया बनाया जाएगा, ये आगे का विषय है। लेकिन फिलहाल के लिए वार्न किया गया कि आप इसके आसपास भी रिस्क फैक्टर है, इसके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भी अब पता नहीं वो लोग घर छोड़कर कैसे रहेंगे, यहाँ पर घर छोड़कर जाएंगे या रुकेंगे, वो आगे का विषय होगा। लेकिन इसके आसपास रहना रिस्क से भरा हो सकता है, ये कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आज से शुरू हो चुकी है वो है पानी की। अब पानी की समस्या का निदान के लिए ये कह रहे हैं, जैसे उन्होंने भाई साहब ने टाइम बताया कि 8:30 बजे के आसपास यहाँ पर टीम आ जाएगी। लेकिन अभी हम खड़े हैं, 8:25 के आसपास का टाइम हो रहा है, लेकिन हमें कोई टीम यहाँ पर दिख नहीं रही है। अब सोचिए कि जो लोग यहाँ पर पानी के लिए अभी इंतज़ार में बैठे होंगे, रोज़ घर से नलों से पानी, दादा कितने बजे चालू करेंगे टंकी? 8:30 के बाद। 8:30 तक आ जाएगा? 8:30 के बाद इसको डायरेक्ट लाइन जी खोलेंगे। ठीक, अच्छा डायरेक्ट लाइन कनेक्ट कर दिए हैं? डायरेक्ट करेंगे, वो बताएगा उसी अनुसार। अभी करेंगे, अभी किए नहीं है, अभी नहीं है ना? ठीक है। ये टंकी कितना साल से पुराना होगा दादा? ये तो जब प्लांट बना उसी समय बना। अच्छा, उसके बाद से कोई संधारण वगैरह या उसकी उसका रंग रोगन या उसको कोई सीमेंट या उसका छड़ वड़ देखने के लिए कोई हुआ है काम? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, जर्जर है क्या? रिस्क बहुत है यहाँ पर काम करना, इसलिए पानी नहीं भर रहे ना टंकी में। पानी नहीं भर रहे, मतलब वो लोड ना बढ़ जाए करके पानी नहीं दे रहे हैं अभी। मना किया कलेक्टर ने जी। ठीक, ये दादा हैं यहाँ पर पंप ऑपरेट करते हैं, और जैसे कि इन्होंने बताया कि पानी यहाँ पर इसलिए नहीं भरा जा रहा है क्योंकि टंकी अगर आप लोड बढ़ा देंगे उसमें, तो लोड बढ़ने के कारण उसके जो नींव है या उसके जो पिलर्स हैं उस पर काफ़ी वजन आएगा, और चूँकि इसको जर्जर करा दे गया है, अगर आप पानी का लोड उस पर दे देंगे तो हो सकता है उससे नुकसान हो जाए। यहाँ लोग रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं यहाँ पर। लेकिन सवाल वही है कि अभी लगभग टाइम करीब है और 8:30 के आसपास पानी खोलेंगे कह रहे थे, लेकिन अभी तक ये देखिए शायद वाटर कैनन लेकर आए ये पानी की व्यवस्था के लिए। ये घर से मैं आपको बाहर से नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये वाटर बॉटल्स वगैरह लेकर आए हैं पानी की शायद व्यवस्था के लिए प्रयासरत होंगे। अब अगर कोई घर के व्यक्ति यहाँ पर दिख जाते हैं, हम कोशिश करेंगे कोई घर के व्यक्ति अगर मिल जाए तो उनसे बातचीत कर लें, हालांकि कोई यहाँ दिख नहीं रहे, कोशिश करेंगे फैजान वो जो अंकल आ रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। तो ये इस तरह से पानी की विकट स्थिति शुरू हो चुकी है। अधिकारियों ने हालांकि कहा है 8:30 बजे यहाँ पर पहुँच कर वो जो डायरेक्ट पाइपलाइन है उससे डायरेक्ट पाइपलाइन से यहाँ की आबादी को पानी दे देंगे। लेकिन अभी तक हम यहाँ पर खड़े हैं, 8:30 के समय करीब पहुँचता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी वर्तमान में अफसर नहीं पहुँचे हैं। तो ये अंकल भी खड़े हैं, दादा कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? पानी नहीं आया होगा आपके घर पे? नहीं आया। कैसे करेंगे? देखेंगे अब कितना टाइम लगेगा। बहुत सारे लोगों को पानी देती है ना टंकी है। फिर आज से जैसे इसको कहा गया कि ये जर्जर है और यहाँ से दूर रहें और पानी के लिए दिक्कत होगी, आज से कट ऑफ कर रहे हैं, डायरेक्ट करेंगे कह रहे हैं, लेकिन 8:30 के करेंगे कह रहे हैं। अब आप लोगों को पानी की जरूरत तो सुबह से होती होगी। ठीक है ना, 8:30 तक देंगे ना। टैंकर वगैरह के लिए किसी नेता ने कहा है या अधिकारी ने कहा है? अब टैंकर अब जाएगा तो कितने जगह जाएगा, ये क्रॉस स्ट्रीट में रहते हैं। अभी भैया सकरोन में रहते हैं? हाँ, यही घर है। ये जैसे आज से पानी यहाँ से कट ऑफ करेंगे बोल रहे हैं भैया, टंकी जर्जर कह रहे हैं,
तो अभी तो जैसे 8:30 से डायरेक्ट लेन दे देंगे कह रहे थे कि पानी आपके घर आ जाएगा 8:30 से 8:30 से अभी टाइम होने को आ गया है, कोई अफसर तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर। 8 बज रहा है सर, अभी तक देख रहे हो ना कोई दिख नहीं रहा है, हो सकता है कि 8:30 तक आए, पर अब यहाँ तो 6 बजे 6:30 बजे आ जाते हैं लोग, जो पानी जो चालू करता है वो तो 6 बजे आ ही जाता है। पंप ऑपरेटर आ गए हैं, लेकिन जो डायरेक्ट लेन देने का काम है ना, हो सकता है कोई टेक्निकल आने वाले होंगे तो उनसे हो सकता है करवाएं, लेकिन अब 8:30 के हो सकता है कैसे होगा ये काम, मेरे समझ से परे कि इतनी जल्दी कैसे जोड़ देंगे लाइन कैसे जोड़ेंगे ये तो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि कल तक पानी आ रहा था यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं था। क्योंकि आज से बोर्ड लगा है कि आपको कट ऑफ करेंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पानी इसलिए नहीं भर रहे टंकी में क्योंकि ये जर्जर हो चुका है, अगर पानी का पेलोड उसमें दे देंगे तो वो थोड़ा सा दबाव पड़ेगा पिलर्स पे। सर मैं ये बोल रहा हूँ, एक ठोक गिर गया तो मतलब सब जर्जर हो गया, ऐसा जर्जर तो बहुत पहले से आज का थोड़ी ना है जर्जर। मतलब आपका ये मानना है कि जैसे पानी का कट ऑफ करना था उसके पहले जो पानी की रिसोर्सेज है उसको डेवलप किया जाना चाहिए था, उसके बाद ये चीजें होनी थी। अब वो टंकी गिरने के बाद ही तो ये सब समझ में आ रहा ना इनको, एक्चुअल तो बात यही है ना सर, टंकी नहीं गिरता तो ये सब कहानी नहीं बनता। नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ जैसे पानी यहाँ से काट दिया गया आज आप लोग का, पहले पानी की व्यवस्था वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी, जैसे आप लोगों के भी घर में अभी पानी की डिमांड हो रही होगी, अभी पानी नहीं आ रहा होगा तो पहले आप लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कर देते, उसके बाद इसे कट ऑफ कर देते, यहाँ मेंटेनेंस का काम शुरू करते। नहीं अब हो सकता है जैसे सेक्टर 2 सेक्टर 4 में टैंकर वगैरह जो जा रहा है वो अपने आप ही अब शुरू होगा, टैंकर जो आ रहा है। कमिटमेंट मिला है आपको? कमिटमेंट तो नहीं मिला है पर टैंकर आएगा सर, ये पक्की बात है। चलिए कुछ लोग आश्वस्त हैं। और भैया आप कहाँ रहते हैं? अच्छा एम्प्लाई हैं। ये टंकी कब से चालू करेंगे भैया? टंकी चालू है, ऐसे सिस्टम को अपन लगे हुए हैं करने के लिए, पानी की समस्या नहीं होगी, बाकी अपना जैसे मरोदा से ग्रिड लाइन है ना उससे कनेक्ट करके इनको दिया जाएगा। जर्जर स्थिति तो है लेकिन वो देखते हुए तो ठीक करने का कोई। आप टाइम से आ गए हैं, 8:30 होने वाला है? नहीं नहीं टाइम से नहीं, मैं चेक करने आया हूँ, मैं दूसरा सेक्टर 4, 1, 2 देखने गया हूँ, आया हूँ कि पानी कैसे कैसे कहाँ का एरिया मिला कि नहीं। अच्छा अभी जैसे पानी का जैसे डिमांड आ रहा होगा, उधर की बोतल वगैरह ला रहे हैं वो अपने गाड़ी में तो दिया जा रहा है वो। कैन आप लोग दे रहे हैं? कैन नहीं हमारा नहीं है, पता नहीं निगम उगम दे रहा होगा। तो अभी कैन से हम लोग अपने बीएसपी सिस्टम से प्राइवेट है वो नगर निगम नहीं देगा, वो निगम या प्राइवेट मंगा रहे होंगे, बाकी अपनी है कि जैसे भी लाइन से इनको पानी की व्यवस्था होता है हो जाए करके उसमें लगे हुए। ये टंकी कितनी जर्जर, अभी आप पुराने एम्प्लॉई हैं यहाँ पर, टंकी कितना जर्जर है? नहीं जर्जर तो है इसीलिए तो इसको रोका जा रहा ना कि अभी सिस्टम से अपन चेंज करके यानी इसमें पानी नहीं भरा जाए, ये लोगों को पानी किसी भी ग्रिड लाइन से सप्लाई करना है हमको। इस इलाके को जैसे पर्ची में लिखा हुआ है नोटिस में कि इस इलाके को प्रतिबंधित किया गया है, अब ये इलाका प्रतिबंधित मतलब यहाँ से सड़क से आदमी भी नहीं गुजरना चाहिए, लेकिन यहाँ तो घर बने हुए हैं और टंकी के नीचे इतना रिस्क में लोग रह रहे हैं, कैसे करेंगे? नहीं उसके लिए तो अभी देखो ये पहले का बना हुआ है, अभी तो आज का नहीं है, टंकी था उस समय तो आसपास कुछ नहीं था, तब धीरे धीरे सब आसपास सब बन चुका है ना, तो मैनेजमेंट भी चाह रहा है कि थोड़ा सा इसको सुविधा देखते हुए जी। अच्छा तो आगे इसके लिए क्या सोचे हैं, क्या इसको रिपेयरिंग होगा या इसको पूरा डिमोलिश करके इसको नया? तो मैं तो एम्प्लॉई में हूं, बाकी मैनेजमेंट अब क्या है प्रबंधन देखे क्या क्या कार्रवाई करता है, यानी आपके मुताबिक क्या किया जाना चाहिए, डिमोलिश किया जाना चाहिए, नया बनना चाहिए या फिर रिपेयरिंग हो जाएगा? रिपेयरिंग भी कर सकते हैं या तो फिर वही बोला ना आगे का प्रक्रिया उन्हीं लोग बता पाएंगे प्रबंधन, हम लोग तो एम्प्लॉई है साथ में जो मिलके काम कर रहे हैं। बीएसपी से ना? हाँ मैं बीएसपी से। ये देखिए पानी के लिए पूछ रहे हैं, पानी के लिए बातचीत चल रही है, पानी कैसे आएगा करके। पानी आपके यहाँ आया भैया? आपके यहाँ नहीं मालूम, नहीं मेरे को भी, मैं सुबह से निकल गया। सेक्टर 1 रहते ना? तो ये नजदीक में रहता हूँ ना जी। जी पानी तो नहीं आज नहीं आया, कल तक बड़ा बढ़िया था, कल शाम को भी पानी आया था, कल शाम को भी पानी दिया। ये एवेन्यू नहीं आया पानी की दिक्कत चल रही और कोशिश करेंगे एक बार टंकी फिर से दिखा दें आपको। और यहाँ पर स्थितियाँ अब ये पूरी खुल के तो बात नहीं हो पा रही है, बीएसपी के अधिकारी हैं, नीचे लेवल के अधिकारी हैं जो यहाँ टेक्निकलिटी को देखते हैं। 8:30 के थोड़ा सा टाइम आगे हो गया है, यहाँ देखने आए हैं कि अब यहाँ से कैसे सुचारू, हालांकि जो प्रोसेस है काम का वो शुरू नहीं हुआ है अब तक। तो ये टंकी है, अब इसके ये डिमोलिश की जाएगी, इसे बस किया जाएगा, इसे गिराया जाएगा, नई टंकी बनेगी, या फिर इसके जो पैच वर्क काम है जहाँ जहाँ पर ये जर्जर हालत में है उसे सुधारने की कोशिश की जाएगी, ये आगने का विषय है। आगे बड़े अधिकारी कहेंगे, कह बता रहे हैं जो यहाँ के जो बीएसपी के एम्प्लॉई हैं वो कह रहे हैं कि इसका निर्णय जो है वो बड़े अधिकारी लेंगे, लेकिन सवाल वही है अभी भी दिक्कत बनी हुई है। तो इस वक्त मैं सेक्टर 5 में खड़ा हूँ और सेक्टर 5 का जो पानी टंकी है वो भी आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, क्योंकि
जैसे ही सेक्टर 4 का टंकी भरभरा के गिर जाता है, उसके बाद लगता है बीएसपी प्रबंधन जो है वो जाग चुकी है, लोगों को बताने के लिए कि और भी ऐसी टंकियां हैं जो कि जर्जर हालत में हैं। तो कल ही खबर आती है कि बीएसपी के लोगों ने कहा है कि सेक्टर 4 की टंकी गिरने के बाद सेक्टर 5 और सेक्टर 1 की जो टंकियां हैं वो भी जर्जर स्थिति में हैं, इसीलिए सेक्टर 1 की टंकी में भी ऐसा ही बोर्ड लगा दिया गया होगा और सेक्टर 5 की टंकी में भी ऐसा ही बोर्ड लगा दिया गया है। तो अभी इस टंकी को वापस से पुनः निर्माण करना है, तो जो सेक्टरवासी हैं उनको पानी मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, मगर जो निगम प्रशासन है और बीएसपी प्रबंधन है दोनों के सहयोग से दोनों आपस में मिलकर लोगों को दिक्कतें ना हो इसलिए पानी घर घर पहुंचाने का कोशिश करेंगे। और ये जो टंकी है आप देख पा रहे हैं, टंकी के नीचे एक छोटा सा मकान भी है जो कि बीएसपी के गार्ड हैं, उनका मकान है। जब मैं यहाँ पर आया तो वो कुछ काम कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा तो बताया उन्होंने कि बीएसपी ने मुझे कहा है कि आप इस घर को खाली कर दें और इसके अतिरिक्त उनको कहीं पर एक अलग से घर दिया गया है। तो आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? निरतन सिन्हा। सिन्हा जी क्या काम करते थे आप बीएसपी में? मैं बीएसपी पहले कार्यरत था लेकिन अभी फिलहाल तो प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस में हूँ। अच्छा, पहले बीएसपी कर्मचारी थे, अभी आप सिक्योरिटी गार्ड बनने वाले? वो प्राइवेट में चल रहा था, अभी तो अमित इंटरनेशनल होटल में ड्यूटी कर रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से। तो यहाँ पे आपको मकान मिला हुआ था, बीएसपी में बोर्ड लगा दिया है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। हाँ, तो इसके अतिरिक्त कहीं पे आपको जगह मिला रहने के लिए? जगह मिला सर, बीएसपी ने दी है जगह सर छिपाने के लिए, कम से कम रहने के लिए जगह तो मिल गया है। अब क्या है, कुछ सामान बचा है अपना निजी सामान, उसको शिफ्ट करूँगा। अच्छा सिन्हा जी, एक बात बताइए, जब सेक्टर 4 का जो टंकी जब गिर जाता है भरभरा के, तो आप खबर सुनते तो डर नहीं लगता कि मैं यार खुद तो बहुत डर सर, मैं खुद वहाँ देखने गया था और डर हो गया। देखने गया था? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद जब यहाँ पे आया और इस टंकी को देख रहा हूँ और आपके घर को देख रहा हूँ तो लग रहा है कैसे आप लोग रहते हैं। अब क्या करें, परवरिश करना है, गुंजाइश परवरिश साथ में, अब निकालना है, बोले बीएसपी तो निकलना पड़ा। सही बात भी है कि निकलना जरूरी था, जर्जर हालत भी है, अब निकलना ही पड़ेगा। हालात खराब है इसीलिए। तो मेरे पीछे आप ये टंकी भी देख पा रहे हैं, थोड़ा पास से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हालत वैसे भी जर्जर ही है। जो मलबे हैं वो नीचे गिरने को तैयार हैं, आप देख पा रहे हैं ये टंकी है, और जो सीढ़ी होती है ऊपर चढ़ने के लिए वो सीढ़ी भी टूट चुकी है अधिकांश, मतलब आप इस टंकी में चढ़ भी नहीं सकते, चढ़ना तो वैसे भी नहीं है आपको, मगर जो हालत वैसे भी जर्जर है। और ये देखिए जो प्लास्टर थे टंकी के वो गिर गिर कर नीचे पड़े हुए हैं। तो देर आए पर दुरुस्त आए, बीएसपी को मालूम पड़ा कि और भी ऐसी टंकियां हैं जो जर्जर हालत में हैं, उनका रिनोवेशन किया जाना है और उन्होंने नोटिस जारी किए, क्योंकि सेक्टर एरिया में सुबह के 7 बजे चाचा पानी आता है ना, सुबह के 7 बजे लोगों को पानी मिलती है, मगर क्योंकि ये टंकी का रिनोवेशन करना है, टंकी का पानी खाली कर दिया गया है, तो लोगों को पानी मिलने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मगर बीएसपी और जो नगर निगम के अधिकारी हैं, माननीय नेता हैं, उन्होंने कहा है आप चिंता ना करें, आप हर जन तक हम पानी पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं सेक्टर 5 में मौजूद हूं, सेक्टर 5 में आप देख रहे हैं ये बीएसपी ने लगवाया था, ये नल है, यहीं से लोग अपनी पानी भरते हैं और आसपास जितने भी घर हैं सभी की प्रतिपूर्ति इसी से नल है, 25-30 झोपड़ी की पानी यहीं प्रतिपूर्ति होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंदूलाल। मंदूलाल जी क्या करते हैं आप? मैं मार्केट में मेरा ठेला है। मार्केट में ठेला है आपका? हाँ। तो अभी खबर मिली होगी आपको कि ये टंकी को गिराया जा रहा है। हाँ। तो पानी का समस्या होगा आप लोगों को? समस्या होगा। हाँ। एक तालाब खुला था तो हम लोग नहाते धोते थे, ये तो 5-6 साल से बंद कर दिया है तालाब। तालाब लेकिन ऐसे गंदगी हो रहा है, हम लोग नहाते थे कम से कम साफ होता था, चारों तरफ घाट बना के नहाते थे, तो वो तो बंद कर दिए और ऐसे पड़ा है। एक बात बताइए, जैसे अभी पानी बंद हो जाएगा, हाँ जी, जब पानी बंद नहीं था, जैसे आज की डेट में कितना पानी इस्तेमाल करते हैं आप लोग, कितना पानी लगता है आप लोग? कम से कम कपड़ा वपड़ा धोने के लिए सर, और पीने 100 लीटर पानी लगता होगा? हाँ, 100 से ऊपर लगता है, कम नहीं लगता। हाँ हाँ, दोनों समय में बेटा जी, दोनों समय में गिराने वाला, खाने वाला, पीने वाला। आइए आगे आइए आगे, यहाँ बोलिए, यहाँ की आवाज़ नहीं आ पाएगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? देखो दोनों समय में हम लोग आगे 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 वो कुछ 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 वो में भरे रहे के दोनों सोमिया में यूज कर रहे हैं, तो उसमें उतना भी नहीं, थोड़ा जस्टी भी लगता है दोनों सोमिया में, कहाँ और पास में तो कुछ नल नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, नाना धोना, जिसका घर में उनका कपड़ा धोना,
और मैदान वैदान जाने जैसे बाथरूम जाना है। हाँ सही बात है। हाँ सरकार तो बना दिया बाथरूम, तो उसमें बाथरूम भी जाते हैं। बाथरूम में पानी पानी चाहिए, एक आदमी जाएगा तो एक बाल्टीन पानी लगेगा, ऐसे समस्या। तो अभी जैसे पानी बंद हो जाएगा, फिर जो निगम के लोग हैं वो पानी पहुंचाएंगे, तो कैसे एडजस्ट करेंगे? ये तालाब खुला दीजिए, हम लोग नहाएंगे, कम से कम नहाने और कपड़ा धोने के लिए हो जाएगा। तालाब यहाँ पास में? हाँ ये नज़दीक है तालाब, जवाहर उद्यान यही। तो ये आप देख पा रहे हैं ये एक नल है जो BSP ने लगवाया था, और यहीं से आसपास चाचा बता रहे हैं कि 25 मकान जो है आसपास के, उनकी पानी की प्रतिपूर्ति यहीं से होती है। और देख सकते हैं आप आसपास भी सारे लोग हैं, वो लोग अपना डब्बा बाल्टी सब लेकर यहीं पर आते हैं और यहीं पर ही अपनी पानी की प्रतिपूर्ति करते हैं। हालांकि लोगों को दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि टंकी को ढहाया जा रहा है, 2-3 दिन लोगों को दिक्कत होगा, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि मेन लाइन से इसे जोड़ दिया जाएगा और लोगों के घर घर तक पानी पहुँचाया जाएगा। तो ये दिक्कतें बनी हुई हैं, और इन दिक्कतों पे, इस तरह के जर्जर हालातों पे आगे जो भी और रिपोर्टिंग होगी या जो भी हमें जानकारियाँ मिल पाएंगी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इन विषयों को आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी लाइक और कमेंट बहुत मायने रखता है हमारे लिए। कमेंट करिएगा और लिखिएगा कि इन विषयों में आगे क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP News को और बेल आइकन को दबाएं।